हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार तक्षक पाताल के 8 नागों में से एक नाग है, जो कश्यप के पुत्र और कद्रु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तक्षक का राज तक्षशिला में था। तक्षक ने मायासुर दैत्य के साथ मिलकर यादवों के शूरसेनी राज्य के खांडवप्रस्थ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसमें देवताओं के राजा इंद्र ने तक्षक की सहायता की थी। अग्नि खांडव वन को जलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 7 बार प्रयत्न किया था, परंतु असफल रहे थे, क्योंकि तक्षक की सहायता इंद्र कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने परामर्श दिया कि वह भगवान कृष्ण व अर्जुन की सहायता लें। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण शुरू किया, तब तक्षक मायासुर से उनका संघर्ष हुआ। इसमें इंद्र व देवताओं ने तक्षक का साथ दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के आगे इंद्र की नहीं चली। नागराज तक्षक का पुत्र बचकर भाग गया। असुर मायासुर को भी बाद में छोड़ दिया गया। अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। अर्जुन द्वारा खांडव वन जलाए जाने के समय तक्षक की पत्नी तथा पुत्र अश्वसेन वहीं थे। जान बचाने के लिए तक्षक की पत्नी ने पुत्र को मुंह में दबाकर आकाश मार्ग से भाग निकलने का प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन ने उसे मार गिराया। इंद्र ने अश्वसेन की रक्षा की। श्रृंगी ऋषि का शाप पूरा करने के लिए राजा परीक्षित को तक्षक नहीं काटा था। तक्षक परीक्षित को मारकर अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। जब तक्षक ने परीक्षित को काटा, तो जन्मेजय इससे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संसार से सांपों का नाश करने के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चले गए। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को न छोड़ें, तो उनको भी तक्षक के साथ खींच लाओ और भस्म कर दो। ऋतविज्ञों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचे, तब आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की, तब कहीं जाकर तक्षक के प्राण बच पाए। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन काल में भारत में तक्षक नाम की एक जाति निवास करती थी। नाग जाति के लोग अपने को तक्षक की संतान ही बतलाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग सर्प का पूजन किया करते थे। तिब्बत, मंगोलिया और चीन के निवासी अपने आप को तक्षक नाग या नाग के वंशधर बतलाते हैं। महाभारत युद्ध के उपरांत धीरे धीरे तक्षकों का अधिकार बढ़ने लगा, और उत्तर पश्चिम भारत में तक्षक लोगों का बहुत दिनों तक साम्राज्य रहा। यहाँ तक कि सिकंदर के भारत के आने के समय तक राज्य रहा। इनका जातीय चिन्ह सर्प था। ऊपर परीक्षित और जन्मेजय की जो कथा दी गई है, उसके संबंध में विद्वानों का मत है कि तक्षक के साथ एक बार पांडवों का भारी युद्ध हुआ था, जिसमें तक्षकों की जीत हुई और राजा परीक्षित मारे गए, और अंत में जन्मेजय ने फिर तक्षशिला में युद्ध करके तक्षकों का नाश किया, और यही घटना जन्मेजय के सर्प यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।